हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार एवं जोहार। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ICAR टेक्नीशियन री एग्जाम 2023, जो कि आज 10 जुलाई को लास्ट एग्जाम था। उसका कुछ क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इस YouTube को चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो असहयोग आंदोलन को गांधी जी कब वापस लिए थे, तो इसका आंसर होगा 1922, क्योंकि गांधी जी जो है सो 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। दूसरा क्वेश्चन, पौधों में एस्टोमेटा का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्वसन का कार्य। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को टूटने से कौन सी गैस निष्कासन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1494 में फरगाना का शासक कौन बना था, तो इसका सही जवाब है बाबर, जो कि 8 जून 1494 में ये गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस काल में बना था, तो इसका आंसर चोल काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो इसका आंसर होगा 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था, इसका आंसर 1951 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना कुल कितने चरणों में की गई थी, तो इसका आंसर होगा दो, यानी कि दो बार में जो है सो जनगणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष आया था, तो इसका आंसर होगा 1935। तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।